वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स टू ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वो कैप डाली थी और बहुत अच्छों ने कमेंट भी की, बहुत अच्छों को अच्छा भी लगा उसे देख करके, क्योंकि उसमें इतना इजी भी बताया था मैंने वो कैप को लर्न करने का, जिससे कि आप मीन्स अपने घरेलू बातों में ही वो कैप को याद कर दिया। ठीक है, तो बेटा उसे लाइक करें, शेयर करें। और हम जो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, आजकल क्या है एग्जाम्स में एक क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंपैरिजन से आना स्टार्ट हो गया है। मींस उसमें क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सेंटेंस दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे करना है। ठीक है, तो मैं वो सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसे लास्ट तक जरूर देखें, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और जिन बच्चे अभी नए जुड़े हैं, हमारे काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं वैसे, तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इन्होंने लिंक से ज्वाइन किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं बहुत ही रैपिडली चल रही हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट की ही अधिकतर वीडियोस हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो मैं अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, वैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है एक। तो देखिए, मैं बताने वाला था आपको पहले जो यूज है वो बेटा हमारा लेटेस्ट, लास्ट और लेटर, इनका। ठीक है, ये हमारा रह गया था पिछली वीडियो में। देखो लेटेस्ट क्या होता है, लेटेस्ट मीन्स होता है मतलब जो नया आया हुआ होता है, जैसे लेटेस्ट फ़ोन आया है कोई मार्केट में, या फिर लेटेस्ट वीडियो आती है जैसे हमारी रोज़, तो वो क्या होती हैं लेटेस्ट। ठीक है, लास्ट, लास्ट तो आपको एकदम से दिख ही रहा होगा, लास्ट है भाई ये तो एंड, बिल्कुल। ठीक है, किसी चीज़ के लाइन के लास्ट में जो होता है, जो होता होता हमारा लास्ट। लेटेस्ट क्या होता है बेटा, हमारा न्यू एकदम। और लेटर, लेटर देखिए, लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वर्ड और होता है लेटर से पहले, फॉर्मर। ठीक है, जब हम किसी सेंटेंस में दो व्यक्तियों की बात कर रहे होते हैं, जैसे हम ले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में ले लीजिए, पीटी नेहरू वाज आवर फर्स्ट पीएम। ठीक है, एंड लाल बहादुर शास्त्री वाज नेक्स्ट टू हिम। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, उनसे बाद आने वाले, मीन्स उनसे अगले। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे तो इसमें अगर हमें बात कहनी होगी कोई पीटी नेहरू के लिए, ठीक है, इसमें दो पीएम की बात होगी, एक पीटी नेहरू की, एक होगी हमारी लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, तो अगर हम पीटी नेहरू के लिए कोई बात बोलेंगे तो हम बोलेंगे फॉर्मर, फॉर्मर पीएम वाज वेरी, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियस बोल दो। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, अब इंडस्ट्रियस का मतलब बताता हूँ, इंडस्ट्रियस में एक वर्ड आ रहा है इंडस्ट्री, तो यही इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में काम होता है, मीन्स कुछ भी प्रोडक्ट वोडक्ट बनते रहते हैं इंडस्ट्री में, तो जब काम होता है तो क्या करनी पड़ती है लेबर को, मेहनत करनी पड़ती है, तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है, और अब हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ बात बोलेंगे तो वो आएगा लेटर, लेटर डाइड आफ्टर द इंडो पाक वॉर। ठीक है, के लाल बहादुर शास्त्री मीन्स लेटर, लेटर मीन्स फॉर्मर कौन हो गया, पीटी नेहरू जो पहले फॉर्मर बोलते हैं, पहले वाले को लेटर बोलते हैं बाद वाले को। ठीक है, तो लेटर डाइड आफ्टर द इंडो पाक वॉर, क्योंकि लेटर मतलब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब होगी, इंडो पाक वॉर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्या हमारा रह गया था बताने से, और था हमारा बेटा यूज ओल्डर, ओल्डेस्ट,
एल्डर एल्डेस्ट, ये हमारा रह गया था कुछ कर, जो हमारी लास्ट वीडियो थी। और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है इसे समझने में, तो इसलिए हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए क्लिक करिए और पहले उसे देखिए और फिर इसके साथ कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ओल्डर ओल्डेस्ट एल्डर एल्डेस्ट, ठीक है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और एक है हमारा नियरेस्ट और नेक्स्ट, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। देखो ओल्डर, इनका जब यूज करते हैं हम एज के सेंस में करते हैं भाई, एज के सेंस में करते हैं। जैसे मैं आई एम ओल्डर टू हिम, ठीक है। अगर हम ऐसे करके किसी को बताते हैं कि आई एम ओल्डर टू हिम, कंपेयर करते हैं एज में, ठीक है। और ओल्डेस्ट मीन्स बड़ा, आई एम ओल्डेस्ट, ठीक है, मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एज के मैटर में। ओल्डर का मतलब जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जाता है कि आई एम ओल्ड, जैसे नंबर वन इज ओल्डर देन नंबर टू, कि नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, कैसे, एज में। हाइट वाइट का मैटर नहीं होता इसमें, ओल्डर में होता एज का मैटर, ठीक है। और ओल्डेस्ट जब होता तो इसमें कंपैरिजन नहीं करते, ये होती सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊंची, कि बाकी सब छोटे हैं, सबसे बड़ा कौन है जिसके लिए हम ओल्डेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। एल्डर का भी यही मीन्स होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जो यहाँ पे रह जाती है वो ये है कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज हम करते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए। फैमिली मेंबर्स के लिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि माय एल्डर फ्रेंड, हम यही बोलते हैं माय एल्डर ब्रदर, माय एल्डर सिस्टर, ठीक है। तो एल्डर और एल्डेस्ट का मीनिंग बस यही होता है, एज के मैटर में ही और छोटे बड़े के मैटर में यूज करते हैं, बट फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा नियरेस्ट और नेक्स्ट, तो नियरेस्ट होता है सबसे पास वाला, जैसे हाउ फार इज द नियरेस्ट बस स्टॉप, के पास वाला बस स्टॉप कितनी दूर और है। और हम नेक्स्ट की यूज करेंगे तो हाउ फार इज द नेक्स्ट स्टॉप, ठीक है। नियरेस्ट की बात करते हैं सबसे पास वाले की, कि पास से पास जो हो, तो नेक्स्ट का मतलब होता है जो अगला होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट का यूज जो एक जगह और करते हैं, हम वो करते हैं किसी की पोजीशन बताने में, ठीक है। जैसे आपके आगे कोई बैठा है तो आप कैसे बोलोगे कि मेरे आगे राहुल बैठा है, आपका लिए सेंटेंस है एक, मेरे लिए मेरे आगे राहुल बैठा है, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या है इसका, कि राहुल मेरे आगे बैठा है, तो क्या बोलेंगे हम, राहुल इज नेक्स्ट टू मी, कि राहुल मुझसे आगे है, ठीक है। और हम इसके बारे में तो डिस्कस कर ही लिया है, अब आते हैं हम अपना जो टॉपिक है जिसके लिए वीडियो बनाई गई है स्पेशली, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बेटा एक तो कंपैरिजन को पढ़ के ही आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई किस चीज की बात चल रही है, कंपेयर करने की, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीन चीजें होती हैं, ऐसे ही पेन और नोटबुक में ऐसे ही डायग्राम बनाना है बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जितना हम डायग्राम से पढ़ते हैं उतना हमारे माइंड में एकदम से मैपिंग रहती है चीज़ों की, मीन्स हमें रटना नहीं पड़ता, फिर से बार बार दोहराना नहीं पड़ता, एकदम से जैसे हम एक इमेज की तरह देख लेते हैं ना किस चीज़ को, तो माइंड में रहती है, जैसे मूवी आपको याद रहती है कि हाँ मूवी में क्या हुआ था, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारी कितनी होती हैं तीन, फर्स्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट कंपैरेटिव और थर्ड सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है और सुपरलेटिव में क्या होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम कि पॉजिटिव में जो होता है हम किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं, हम बस उसमें एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं और उसकी क्वालिफिकेशन बताते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव, जैसे हमारा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव
डिग्री ऑफ कंपेरिजन का एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, जैसे गुड। और मैंने एक पुरानी वीडियो में एक लाइन भी बोली थी कि गुड बेटर बेस्ट, ठीक है आप उसे देखें, उसमें ये बोला था मैंने कि गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेस्ट, ठीक है। तो आपको यही दिख रहा होगा कि टिल योर गुड इज बेटर मीन्स गुड से क्या हो रहा बेटर, बेटर से क्या हो रहा बेस्ट, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो क्या हो गया वो सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में मतलब बेटर की बेहतर है, इससे बेहतर है लेकिन बहुत से कम भी है, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या जाएगा बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, ठीक है। तो गुड क्या होता है, गुड का हम किससे कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं, द पॉजिटिव डिग्री इज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, जब कोई कंपैरिजन नहीं बनाया जाता है किसी से भी दूसरा, हम जो भी हैं हम खुद हैं, हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो होता हमारा पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में जब दो चीज़ों के बाद दो चीज़ों में डिफरेंस कर रहे होते हैं, दो पर्सन हो दो थिंग हो कुछ भी हो, जैसे आई एम बेटर देन योर बॉयफ्रेंड, ठीक है बेटा। जैसे हम किसी लड़की से कहेंगे कि भाई मैं बेटर हूँ तेरे बॉयफ्रेंड से, तो ठीक है। तो ऐसे करके हम बेटर का यूज करते हैं जब दो चीजों में कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे हम यहाँ पे किसी से कंपेयर कर रहे हैं, एक खुद ने और एक दूसरे किसी के बॉयफ्रेंड में, ठीक है। और बेस्ट क्या होता है, बेस्ट जाएगा जब हम बोल देंगे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। और हाँ एक चीज जो आपको माइंड में रखनी है, स्टार बना के लिखिए वैसे जरूर, कंपैरेटिव में हम यूज करते हैं देन का, किसमें कंपैरेटिव में देन का, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव वर्ड यूज करेंगे जैसे बेटर, तो बेटर के बाद किसका यूज जरूर करना हमें देन का। नेक्स्ट आइए सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव डिग्री का कुछ भी वर्ड हो वो हमेशा द को पहले साथ लेकर के चलेगा अपने, किसे द को, बस ये दो बातें जब आपने याद कर ली तो आपका कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एरर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि देन की जगह कभी कभी वो एरर में THEN वाला देन कर देता है, बच्चे बोलते हैं कि भाई ये तो लिख रहा है कि आई एम बेटर देन, बस यही हम गलत कराते हैं और यहीं यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इसलिए नंबर नहीं आता, ठीक है। और बेस्ट में मैंने बताया सुपरलेटिव में क्या उसका नाम है द का, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो हमेशा द से प्रोसीड करती है, पहले द को लेती है और बाद में प्रोसीड करती है, ठीक है। तो हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो पढ़ लिया है, अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो पढ़ने वाले हैं वो है कि हम किसी सेंटेंस को उसके मीनिंग में चेंज ना करके केवल डिग्री ऑफ कंपैरिजन में चेंज करना है, जिसमें क्वेश्चन 101% आना ही आना है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन ये लिख कर रख लीजिए भाई, कॉल कर देना जिस दिन एग्जाम देकर आओ, ये रहा मेरा नंबर कि सर आपने गलत बोला एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो देखो कि इसमें कैसे सेंटेंस हम चेंज करने वाले हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक जैसे ले लो राज इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, फिर आम एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम तीनों फॉर्म में आ जाएंगे, फिर पॉजिटिव में आ जाओ, नेक्स्ट क्या था हमारा कंपैरेटिव और थर्ड क्या था हमारा सुपरलेटिव, कि भाई मीनिंग में कोई चेंज नहीं करना है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं करना है इसके, इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, कि राम स्टूडेंट रहे और अच्छा ही रहे बुरा कर दो कभी, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या आएगा, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राम, ठीक है। पॉजिटिव में जब चेंज करते हैं तो हमें क्या ऐड करना होता है, नो अदर और एज एज, ये हमें ऐड करना होता है, इसका सेंस और जरूर कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में हमें क्या यूज करना होता है, ठीक है। तो भाई यार पॉजिटिव में तो बन गया है कि नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राम, ठीक है। नेक्स्ट आइए कंपैरेटिव में क्या करते हैं हम इसका, वैसे जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा नहीं आएगा ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है,
वो आएगा या तो वो आएगा पॉजिटिव में, या वो आएगा कंपैरेटिव में, या वो आएगा सुपरलेटिव में। ठीक है, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं आने वाला है, इसलिए मैं आपको रफी कर दूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट और ना हो। ठीक है, जैसे आपको आ गया है पॉजिटिव में कि ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सेंटेंस है और इसे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कन्वर्ट करना है। तो कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, गुड का क्या बताया था मैंने, बेटर। जब गुड का बेटर हो जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ पे कि राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। ठीक है, कि राम बेटर है, बेहतर है देन एनी अदर स्टूडेंट, और देन का यूज बताया था मैंने कि कंपैरेटिव में देन का यूज जरूर होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट सुपरलेटिव में कैसे करना, सुपरलेटिव में क्या बताया था मैंने, एक बार और बता रहा हूँ कहीं भूल मत जाना, कंपैरेटिव में देन किसके बाद, जो वर्ड कंपैरिजन दिखा रहा हो उसके बाद देन एकदम, और सुपरलेटिव में जो वर्ड सुपरलेटिविटी दिखा रहा हो किसी चीज की उससे पहले दा के बाद ही वो आना है, जो भी सुपर दिखाएगा, जैसे द बेस्ट स्टूडेंट, द ओल्डेस्ट, द एल्डेस्ट इन द फैमिली। ठीक है, तो सुपरलेटिव में क्या जाएगा, क्या जाएगा सुपरलेटिव में बताओ, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो राम क्या बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है बेटा, तो मैंने ये सब आपको करा दिया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हमारा आज खत्म हो गया है जो कि एडजेक्टिव में आता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी नहीं करा है, जो नए जुड़े हैं, और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारी तो डेली वीडियोस आ रही है भाई, और डेली मुझे लगता है आप सभी टाइम दे रहे होंगे, आपका लव और सपोर्ट हमें मिल रहा है, हमें दिख भी रहा है वो, बट उसे ऐसे ही बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। ठीक है जी, थैंक यू।